भक्त काली माँ की कहानी। निर्मलपुर नाम के गांव में मालती नाम की एक महिला अपने सास ससुर ननद रिंकी और पति शेखर के साथ रहती थी। मालती काली माता की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसके ससुराल में और कोई किसी भी देवी या देवता की पूजा नहीं करते थे। मालती को काली माता की पूजा पाठ करते देख उसकी ननंद रिंकी को बहुत गुस्सा आता और वह अपनी मन को मालती के खिलाफ भटकती रहती। मैन तुम भाभी को काली माता का पूजा करने से रोकती है, क्यों नहीं हो? उन्हें जब भी वक्त मिलता है बस काली माता की पूजा में लगी रहती है। तुम्हें पता है काली माता की पूजा भूत प्रेत से नाता रखने वाले लोग करते हैं। इससे तो हमारे घर में भूत निशाचों का दाखिला हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो रिंकी, मैं अभी जाकर इसे रोकती हूँ। इधर मालती काली माता की पूजा कर रही होती है कि तभी उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, बहू मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मेरे घर में काली माता के पूजा पाठ मत किया करो, लेकिन तुम चाहती हो नहीं हो कि घर में शांति बनी रहे। तो हम सबकी रक्षा मैंने करती काली है। माता की उनकी पूजा करने से तो उनकी के सारे दुख हमारे परिवार के ऊपर बनी रहती है। लगता है तू मेरी बात नहीं मानेगी, अब शेखर से ही मुझे तुम्हारी शिकायत करनी होगी। शाम को जब शेखर काम से पर घर पर वापस आता है तो उसकी मैन उसे बहू की शिकायत करती है। मैन शेखर से कहती है, शेखर घर की भलाई इसी में है कि तुम अपनी बेकू पत्नी को समझा दो कि वह काली माता की पूजा पाठ ना किया करे। मेरी बातों को मानती नहीं, शायद तुम्हारे कहने का ही कुछ असर हो उसे पर। शेखर मालती के पास आता है। मालती तुम मैंने की बात क्यों नहीं मानती हो? वह कहती है कि घर में काली माता की पूजा पाठ मत करो तो तुम अपनी जिद पर क्यों नहीं रहती हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इस काली माता की मूर्ति के साथ साथ इसे मंदिर को और तुम्हें भी घर से बाहर कर दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यह पूजा पाठ बंद कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या आपको यह भी बात नहीं समझ में आता कि मेरी काली माता तो हमारे परिवार की रक्षा ही करती है, वह भूत प्रेत से अपने भक्तों की रक्षा करती है, ना क्यों नहीं परेशानी करती है? मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपने नाटक बंद करो। इतने में शेखर के पापा वहां आकर कहते हैं, आखिर क्या किया उसने ऐसा उल्टा? ये तो अच्छा काम ही कर रही है घर में, और कोई तो पूजा पाठ करता नहीं, बहू की रही तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पिता कहते हैं, सब अपने कान खोल कर सुन लो, आज के बाद से बहू को कोई भी काली माता की पूजा करने से नहीं रोकेगा। मौत हो जाती लेकिन रिंकी और उसकी मैन को तो मैंने ही मौन गुस्सा आता रहता है। वे दोनों मिलकर एक दिन मालती ने घर में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान और खीर बनाए। तब रिंकी ने कहा, आज मेरी सहेलियां पास की बगीचे में पीपल के पेड़ के नीचे पार्टी कर रही हैं, सब अपनी अपनी घर से कुछ ना कुछ खाने का लेकर आएंगी, इसीलिए मैं भी खीर और पकवान लेकर जाऊंगी। रिंकी को उसकी माइन कहती है कि हाँ ले जाओ बेटी। तब रिंकी एक टिफिन में पकवान और खीर पैक करके ले जाती है। तभी मालती उसे कहती है, रिंकी तुम अपनी सहेलियों को यहीं बुला लो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खीर और पकवान खाने से परेशानी
हो सकती है। तुम अपने काम से मतलब रखो, अभी क्या करती हो, क्यों नहीं, उसके बारे में मैं तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मालती की बात काट कर रिंकी बगीचे में खीर और पकवान लेकर चली जाती है और सभी सहेलियाँ बैठकर अपना टिफिन खोलती हैं और खाने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद रिंकी की तबीयत खराब होने लगती है। सुनो बहन, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, तुम लोग मुझे जल्दी मेरे घर छोड़ दो। अरे यह क्या हो गया तुम्हें, अभी तो तुम अच्छी खासी थी, अचानक तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई। देखो अभी ज़्यादा सवाल मत करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो इसे जल्दी से घर से छोड़ दें। सभी सहेलियाँ मिलकर रिंकी को उसके घर छोड़ने जाती हैं। ये देखकर रिंकी की मैन काफ़ी परेशान हो जाती है। क्या हुआ मेरी बेटी को, तुम लोग इसे आराम करने दीजिए, इसलिए जब से खीर और पकवान खाया है तब इसे इसकी तबीयत खराब हो गई है। कुछ देखो आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी क्या हालत हो गई है, क्या कर दिया था तुमने खाने में। मैंने तो रिंकी को मना किया था कि खीर भगवान घर में ही खा ले, लेकिन कोई मेरी बात सुनता कहाँ। शेखर डॉक्टर को बुलाकर लाता है और डॉक्टर रिंकी को देखकर कुछ दवाई लिख कर देता है। क्या हुआ मेरी बेटी को, डॉक्टर साहब ये 3 घंटे पर खिला दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा भभूति और भस्म लेकर आती है भारती अपनी सास से, कहती है मैंने जो आपसे भस्म रिंकी को लगा दीजिए, जल पीला दूर हो जाएगी, काली माता की कृपा से वह ठीक हो जाएगी। अब यह नाटक करने से क्या होगा, इसी काली माता की पूजा के कारण तो हमारे घर में परेशानी आ रही है। हल्दी का कुछ समझ नहीं आता था कि काली माता से कहती है कि काली माता अगर मेरी भक्ति आपके लिए थोड़ी सी भी सच्ची है तो रिंकी को ठीक कर दो। मैंने मालती काली माता के पास प्रार्थना कर रही थी है कि इधर रिंकी की आंखें लाल हो जाती हैं और लड़की की आवाज़ में बोलने लगती है और शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके शरीर में रहूँगा, हाँ हाँ हाँ। तब मालती दौड़ती हुई आई और सास से बोली मैंने जी आप इसी काली माता के पास लेकर चलिए, यह ठीक हो जाएगी, चली जाओ यहाँ से, हम सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कई बार मना किया काली माता की पूजा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे किए सजा मेरी बेटी भोग रही है, दूर रहो जी मेरी नज़रों से। रिंकी की मैन से कहते बहू की बात मैंने लो और रिंकी को काली माता के पास लेकर चलो। इसके बाद सब मिलकर जैसे जैसे रिंकी को काली माता के पास लेकर जाते हैं, इतने में शेखर एक तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक काली माता को देखकर कहता है उसे घर में भूत प्रीत वास नहीं करता, आप लोग चिंता न करें मुझे यहाँ से ले चलो, चलो यहाँ मुझे यहाँ से। तभी काली माता की मूर्ति से आवाज़ आती है, उनके बोलते हुए ओंठ सबके दिखाई दे रहे थे, तुम अभी के अभी इसके शरीर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हालत करूँगी, तुम तड़पते रह जाओगे, लेकिन मुझे मुक्ति दे दो ना, 2 साल तक मेरी पूजा करो, परेशानी नहीं करूँगा, उसके बाद ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं ऐसा करूँगा माँ के, इसके बाद रिंकी के शरीर में भूत निकल कर चला जाता है। मैं मालती से कहती है बेटी तू मेरी सच्ची बात, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और उनकी खूब पूजा करूँगा, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो भाभी, कभी भी शेखर भी कहता है तो मुझे माफ़ कर दो, अब हम सब मिलकर काली माता की पूजा करेंगे और हम सब परिवार मिलकर काली माता की पूजा पाठ में लग जाते हैं। दोस्तों इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की सच्ची भक्ति करने से वो हमेशा हमारी परेशानी में हमारे साथ रहते हैं और उन परेशानियों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं।